मेक फ्लैश कार्ड, ठीक है, दिस इज स्ट्रेटेजी नंबर फोर। अब यार ये ससुरा फ्लैश कार्ड क्या होता है, ठीक है, देखो जो भी चीज याद नहीं हो पा रही है, ठीक है, या याद करने में फाइट आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप जो है मेरे पास देखिए यहां पर साइड में जो है एक पेज रखा हुआ है, ठीक है, ये जो पेज है ये 70-100 GSM का एक पेज है, ठीक है, आप इससे मोटा पन्ना भी लेकर आ सकते हैं और आप इस पन्नों को जो है इस पन्ने को दो पीसेस में काट दें, ठीक है, और आप इन पन्नों में वो पॉइंट्स लिखें जो आप भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स बनाने का फायदा ये होता है, कलरफुल तरीके से स्केच पेन लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और इन फ्लैश कार्ड्स को कहीं पर चिपका दें या टेबल पर रख दें, जिससे आते जाते आपकी इन पॉइंट्स पर नजर पड़ती रहे और मैं श्योर हूं कि देखते देखते ये पॉइंट्स आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये फ्लैश कार्ड वाली स्ट्रेटेजी जो है ना बड़ी ऑसम है। मैंने जब पढ़ाना चालू किया था करीब 2010 के आसपास जब मैं था, तो मैं भी फ्लैश कार्ड स्ट्रेटेजी यूज करता था कि जैसे मुझे क्लास से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होते थे तो मैं क्या करता था, ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना के रखता था और लेक्चर से पहले 10-15 मिनट मैं इन पॉइंट्स को देख लेता था। ये वो पॉइंट्स थे जो मैं भूल जाता था, क्योंकि जब हम लेक्चर लेते हैं तो हमें भी तो कंटेंट याद होना चाहिए और जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको भी कंटेंट याद होना चाहिए। तो जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं वो आप फ्लैश कार्ड्स बनाकर अच्छी अच्छी राइटिंग में कलरफुल उससे पेन से लिख सकते हैं, स्केच पेन से लिख सकते हैं और कॉन्स्टेंटली आते जाते जो है जब भी टाइम मिले थोड़ा सा फ्लैश कार्ड देख लिया, ठीक है, और वो चीज़ फिर आप भूलेंगे ही नहीं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये फ्लैश कार्ड वाली जो टेक्निक है ये मेरे को सच में बहुत औसम लगती है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, डोंट राइट एवरीथिंग ऑन फ्लैश कार्ड्स, इट विल वेस्ट योर टाइम। सारे रजिस्टर को नहीं भरना है फ्लैश कार्ड में, ठीक है, फ्लैश कार्ड में उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है जो आप भूल जाते हो, ठीक है, सारी चीजें नहीं लिखना। पता चला कि ऐसे करके 100 फ्लैश कार्ड बना लिए, वो तो टाइम की वेस्टेज है। जस्ट मेक फ्लैश कार्ड फॉर दोज टॉपिक्स विच यू फॉरगेट, ठीक है, जो आप बार बार भूल रहे हो उसका फ्लैश कार्ड बना लो, ठीक है। आगे बढ़ें,